दोस्तों आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है आज हम यहाँ पे बात करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम एक क्लास में खत्म करने वाले हैं तो आज की ये क्लास बहुत ही खास है आप लोग के लिए और आप लोग को यहाँ पे सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाने वाली है एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे एक बार आप जस्ट हमें कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो सारा चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है एक बार हमें जस्ट कंफर्म कर दीजिए और उसके बाद हम इस क्लास को करेंगे शुरू और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे ठीक है तो एक बार जस्ट कंफर्म कर दीजिए एक बार आप जस्ट हमें कंफर्म कर दीजिए चलो कोई बात नहीं आ, अभी हम लोग यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना मतलब मतलब एक क्लास में सारे क्वेश्चंस खत्म होने वाली है जी हाँ आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम देंगे और सब क्वेश्चंस आपको बतानी बतानी है कि आंसर इसका क्या हो जाएगी हर क्वेश्चन का और फिर हम आपको भी इसका आंसर बताते चलेंगे ताकि आप अपना आंसर अगर गलत हो जाए आपसे तो वो आप यहाँ से करेक्ट कर सके ठीक है तो आइए हम यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त आपकी ये क्लास होने वाली है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा मतलब टोटल मिला के आपके बोर्ड परीक्षा में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जितने भी प्रश्न आएंगे ना वो आप आराम से बना पाएंगे ठीक है शुरू किया जाए शुरू करें फिर ओके सो चलिए करते हैं इसके शुरुआत और देखते हैं इसके सारे क्वेश्चन को ठीक है आ जाओ अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है ना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी जल्दी से जवाब दीजिए देखो क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा जा रहा रहा है है इसमें विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज इज दंगेस्ट ठीक है विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज इज दंगेस्ट मतलब इसमें से कौन सा लैंग्वेज जो है वो यंगेस्ट लैंग्वेज है ठीक है यंगेस्ट लैंग्वेज है इसमें से कौन सा लैंग्वेज है ना मतलब सबसे बाद में बेसिकली इसमें से कौन सा लैंग्वेज आया था ये आपसे बोला जा रहा है तो यहाँ पे ये सवाल आपके 2019 में साइंस वालों से पूछा भी गया है यहाँ पे देखो साइंस वालों का आर्ट्स वालों का जितने भी साल अभी पूछे गए ना क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चंस लिए कुछ क्वेश्चंस एडिशनली भी लिए हैं हो सकता है ना कि उस कुछ नया क्वेश्चन भी आपको दे दे, दे बोर्ड में तो इसलिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम लोग ठीक है चाहे वो साइंस है कॉमर्स के हैं चाहे आर्ट्स के हैं यहाँ पे साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया था ये और आर्ट्स वाले भी अभी इसी क्लास में और क्वेश्चन को देखेंगे तो अपने पास जो है ना एक इंग्लिश जो है ये इंग्लिश जो है ये जो है नया नया लैंग्वेज आया है जबकि अपना संस्कृत वगैरह तो ना बहुत पुराना लैंग्वेज है है ना संस्कृत तो अपना बहुत पुराना लैंग्वेज है तो ये अभी नया नया लैंग्वेज है इस सबके कंपेयर में तो ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और जो लोग यहाँ पे डी ऑप्शन बताए हैं ना जो लोग यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है एकदम आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं है ठीक है ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर आ जाओ अच्छे से करते चलो यहां पे 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 सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं ठीक है दूसरा पे. इसमें यहां क्या बोला जा रहा है डैश इज डी सिनोनिम ऑफ ड्रामा ठीक है डैश इज सिनोनिम ऑफ ड्रामा ड्रामा का यहां यहाँ सिनोनिम मतलब समान शब्द कौन सा है और यह सवाल भी आपका दो में साइंस एंड कॉमर्स में पूछा जा चुका है ठीक है साइंस एंड कॉमर्स में पूछा जा चुका है डैश इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा तो ड्रामा का बेसिकली मतलब क्या होता है उसका समानार्थी शब्द क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है है ना ये आपसे पूछा जा रहा है तो समानार्थी शब्द ड्रामा का क्या होता है ड्रामा का समानार्थी शब्द होता है प्ले मतलब एक तरीके से नाटक ठीक है ड्रामा का भी मतलब होता है नाटक और इसका भी मतलब होता है नाटक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर जबकि अपने यहाँ प्ले से ज्यादा ड्रामा जो है फेमस है ठीक चल तीसरे नौ क्वेश्चन पे आते हैं तीसरे नौ क्वेश्चन पे और यहां पे देखो तीसरा क्वेश्चन यहां पे क्या बोला जा रहा है इसमें है टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज 2022 में आठ वालों से यह सवाल पूछा गया था ठीक है 2022 में यह सवाल आठ वालों से पूछा गया था क्या आप जवाब इसका दे सकते हैं बोलिए चलो जल्दी जल्दी सब लोग जवाब दो अपने पास है टू डे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज आज कौन सा इंग्लिश है जिसको वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में विश्व भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है कौन से इंग्लिश को अमेरिकन फ्रेंच स्केंडरनेबियन और लैटिन ठीक है कौन से लैंग्वेज को तो बोलिए जल्दी से फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए तो आंसर यहां पे आ रहा है आंसर आ रहा है लेकिन सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे मेजोरिटी स्टूडेंट जो है ना ए जवाब यहाँ पे दे रहे हैं और अमेरिकन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमेरिकन यहाँ पे करेक्ट आंसर टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज ऑप्शन नंबर अपने पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगी ठीक है चलो चार नंबर क्वेश्चन पे आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे और चौथा नवा क्वेश्चन पे आप देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज इसमें बोला जा रहा है इन द एटीन सेंचुरी डैश पब्लिश ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है इन सेंचुरी मतलब अठारवी सदी में क्या था एटीन सेंचुरी में क्या था डैश पब्लिश ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कौन यहाँ पे एक डिक्शनरी पब्लिश किए थे इंग्लिश लैंग्वेज पे ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज पे एक डिक्शनरी पब्लिश किए थे तो यहाँ पे कौन किए थे तो यहाँ पे ये यह सवाल जो है ना दो में ऑलरेडी साइंस एंड कॉमर्स वालों से पूछा जा चुका है ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है अब आइए इसका आंसर देख लेते हैं इसका आंसर अपने पास हो जाएगा क्या चीज सिमुल जॉनसन है ना जॉनसन पे भी रह सकता है सिमुल जॉनसन रह सकता है ठीक है तो ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी ठीक है क्वेश्चन का राइट आंसर बी यहां पे जो भी बताए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी ठीक है बी आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल अपने पास क्या है क्वेश्चन देखो बस आपको हम यही बोलेंगे कि आज बस आराम से क्लास देख लो हर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो आ, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे इसमें जो आपको आ, इस क्लास के दौरान आपको याद नहीं होंगे लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको इस क्लास के दौरान आपको याद हो जाएंगे आपके माइंड में वो सेट हो जाएगी ये आप लिख के ले लो और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपको नहीं याद होगी ना आपको लग रहा है तो आप या तो उसको कॉपी में फटाख से लिख लो और नहीं तो इसको बाद में फिर से वीडियो को बार बार प्ले करके देख लेना एग्जाम के समय एक बार देख लेना एग्जाम से एक दिन पहले आके इसको देख लेना है ना तो ऐसे करके भी कर सकते हो अभी यहां पे फाइव नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिए क्या हो जाएगी यहाँ पे आंसर ठीक है पांचवा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाने वाली है ठीक है फाइव नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी आपको यहां पे बतानी है बता सकते हैं जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं और जितने भी बच्चे अभी हैं करेंटली लाइव में जुड़े हुए सब लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर लीजिए साथ ही साथ शेयर वगैरह भी कर लीजिए ठीक है शेयर भी कर लीजिए ताकि और सारे लोग जुड़ जाए आज की ये क्लास बहुत अच्छा खासा यहाँ पे क्लास होने वाली है बहुत क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे तो थोड़े और स्टूडेंट रहेंगे अच्छा रहेगा चार्ल्स डीन वाज ए नोवलिस्ट ऑफ द डे थ के ऑप्शन बी और बी देखते हैं छो क्वेश्चन 2020 में आर्ट्स वालों से और 2022 में भी आर्ट्स वालों से रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है एंग्लो सेक्शन वेयर डैश पीपुल ठीक है एंग्लो सेक्शन जो है वो कौन से लोग थे तो एंग्लो सेक्शन जो है था ने, वो ट्राइब्स थे जर्मनी के रहने वाले कुछ ट्राइब्स थे आपको बताए थे है ना जनजाति थे वो लोग तो ये जर्मनिक यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी छे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर ओके जो भी छे बता छे का यहाँ पे बी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाने वाली है आज यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं सातवा नंबर क्वेश्चन और इसमें यहाँ पे क्या है इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड टेस्ट

तो किस इंग्लिश लिटरेचर यहां पे क्या होगा यहां पे डैश होगा यहाँ पे डैश होगा और इस का यहाँ पे क्या हो जो एक, आ, मतलब राइटर थे वो जो है वो कहाचर के, well के कौन से के? जो है ना बहुत ही अच्छे राइटर थे तो ये जो थे किस के थे तो मिडल के थे मिडल के ऑप्शन आंसर हो जाएगी ठीक चलो नाइन नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं नौ नंबर क्वेश्चन स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नॉन एज ये सवाल 2020 में साइंस वालों से फिर उसके बाद 2022 हजार बाईस में भीशन है, है ना रिसिप्ड प्रोनाउंसिएशन इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच को ठीक है ऑप्शन और अपने पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगी चलो दस नंबर क्वेश्चन अपने पास देखते हैं इंग्लिस यूज सिंस फिफ्टीन एडी ये सवाल साइंस वालों से दो हजार है जो से जो चलते आ रहा है, जो से से चलते चलते आ आ रहा रहा है, है, और वो अभी तक जो चल रहा है उसको क्या कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं कौन सा इंग्लिश कहते हैं है ना फोर फोर्टी नाइन से 1066 तक जो अपना चल रहा था इसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश कह रहे थे और उसके बाद जाके जो है सब कुछ आपको अच्छे से हम बताए थे मतलब ओल्ड इंग्लिश का पीरियड मिडिल इंग्लिश का पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड कौन सा है तो अपने लोग अभी मॉडर्न इंग्लिश में जी रहे हैं और यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड एडी से लेके ठीक है और टिल नाउ तक अभी तक जो है जो इंग्लिश चल रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश क्या कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश ठीक है ऑप्शन और अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है आ जाओ अगले सवाल पे बढ़ते हैं अगला सवाल अपने पास क्या है ग्यारह नंबर सवाल ग्यारह नंबर क्वेश्चन में देखिए अपने पास क्या बोला जा रहा है ठीक है ग्यारह में देखिए अपने पास क्या बोला जा रहा है इसका आंसर देने की प्रयास करिए ठीक है चलो ग्यारह क्वेश्चन हम यहां पे देखिए अपने पास क्या बोला जा रहा है दोस्तों देखो थोड़ा सा टफ आपको जरूर लगेगा स्टडी ऑफ इंग्लिश नॉर्मली इंग्लिश के जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं बुक के क्वेश्चंस उससे तो थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन अगर आप इसको सही से करेंगे तो आपका लास्ट का जो है ना ऑलमोस्ट सात आठ दस मार्क्स का जो ये सवाल रहता है ये आप आसानी से बना लो आज आ, अब जो देखोगे बोर्ड जो है या तो आप उठा के देख लो सेंटर परीक्षा या तो आप उठा के देख लो मॉडल पेपर हर में लास्ट के जो दस क्वेश्चन दिए हैं ना वो ये यही से दिए हैं ठीक है ठेके? इसी सब में से सवाल दिए हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही और अगर आप इतने क्वेश्चंस को बना लोगे यकीन मानो मॉडल पेपर या फिर आप सेंटअप uh, परीक्षा या फिर आप बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो वो सारा चीज आप आराम से बना लोगे ठीक है ईयर एडी टेन सिक्सटी ठीक है दस एडी इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डेस पीरियड अभी जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि यहाँ पे दस तक अपना जो है ओल्ड इंग्लिश चला था ओल्ड इंग्लिश अपने पास खत्म हुआ था दस में ठीक है ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी और कैसे खत्म हुआ क्या खत्म हुआ था सारा स्टोरी हम आपको अच्छे से बताए हुए थे पूरे अच्छे से स्टोरी के रूप में हम आपको समझाए थे तो होप सो आप लोग को वो स्टोरी याद होगी आप वो भूले नहीं होंगे है ना तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत अच्छे से कहानी के रूप में आपको बतलाए थे हम क्लियर है चलो तो अपने पास आंसर क्या हो गया ओल्ड इंग्लिश अपने पास करेक्ट आंसर हो गई चलते हैं अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला जा रहा है ट्वेल्थ नवा क्वेश्चन में और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज इसमें बोला जा रहा है द द नेम गिवन टू अर्ली सेंचुरी ठीक है अगस्तन जो है किस सेंचुरी को एक तरीके से नाम दिया गया या फिर अगस्तन एज किसको कहते हैं ये आपके एग्जाम में भी सवाल ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में रह सकता है ठीक है ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में रह सकता है आ जाओ एज के सेंचुरी को कहते हैं तो ये भी सवाल रह सकती है बच्चों देखो ये क्लास जो आप देख रहे हो ना मतलब आप थोड़ा बहुत हल्के में ले रहे हो क्या इस क्लास को बहुत खास क्लास है ठीक है तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से इसको कंप्लीट करो बहुत खास क्लास है ये आपके लिए आ, मतलब समझो दस मार्क्स अगर एक तरीके से अब क्लियर हो रहा है अगर एक क्लास में अगर देख लोगे सारे क्वेश्चंस आप पुराने जितने क्वेश्चंस अभी तक स्टूडी ऑफ इंग्लिश के पूछे गए ना वो ऑलमोस्ट आप क्वेश्चंस बना लोगे यहाँ से ठीक है इसीलिए आपको इसमें सारे करवाने वाले हैं, ठीक है? अभी अच्छे से देखते हैं और जितने लोग हैं लाइक लाइक वगैरह कर लीजिए सारे लोग ठीक है जितने लोग अभी प्रेजेंटली लाइव में जुड़े हुए हैं उतने लाइक तो है नहीं तो लाइक वगैरह कर लीजिए ठीक है कर लीजिए जल्दी से और यहाँ पे ट्वेल्थ क्वेश्चन अपने पास क्या है अर्ली डेथ सेंचुरी तो अपने पास हो जाएगा और तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बी वाले बच्चे सही हैं सी जो भी दे रहे हैं सी वाले गलत हो जाएंगे नाइनटीन सेंचुरी यहाँ पे गलत हो जाएंगे ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तेरह नव क्वेश्चन पे और में अपने पास क्या बोला जा रहा है इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि The was written by. के या फिर से नहीं पता है पढ़े, पढ़ने बोले थे ना? ये सब हम आपको अच्छे से बताए है, है पढ़ाई जो थे स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो लोग नहीं देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में हम प्रॉपर वीडियो का लिंक दे दिए पूरे अच्छे से पढ़ाया गया है एक डेढ़ घंटे का क्लास है आप आराम से देख लोगे और सारे क्वेश्चंस मक्खन की तरह बनेंगे है ना

और uh, मतलब बेसिकली जो है लगभग इसका पीडीएफ नहीं मिलने वाला है आराम से भी क्लास करिए सब लोग क्या है अपने पास आंसर हो जाएगी मिल्टन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑलरेडी बहुत सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर चुके हैं प्रॉपर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सारा पीडीएफ दे चुके हैं तो अब यहां पे कुछ तो आराम से इससे भी पढ़ लो यहाँ पे क्लास से भी आंसर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है

वो सारे क्वेश्चन कुछ एडिशनल क्वेश्चन ये सब हम लोग देख रहे हैं सर आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं नाम लेके क्या समय बर्बाद करवाओगे बच्चों का क्या नहीं तो ऐसा नाम भी लेंगे तो बिल्कुल आप लोगों का समय बर्बाद होगा उस सब चीजों से अपने पास आंसर क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा लैंगलैंड ठीक है लैंगलैंड यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाली है चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं लेकिन आप जान लो थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे है ना और कुछ नए बच्चे जान लीजिए अपना एजुकेशन बाबा ऐप भी है जहाँ पे ये सारे टीचर्स आपको ऐप पे पढ़ा रहे होंगे साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के लिए अलग अलग सर आपको पढ़ा रहे होंगे रिजल्ट आप देख ही रहे ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट है और वो आपको आ, मतलब और भी देखने को मिलेंगे अगले अभी एग्जाम तो होने वाली है ना फेबर में एग्जाम होगी और फिर देखिएगा और तगड़ा सा रिजल्ट कुछ इससे भी बेटर आने वाली है तो आप एजुकेशन वा ऐप से अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए और नहीं पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन वा ऐप इंस्टॉल करके वहां से फिर से पढ़ाई जारी कर दीजिए है है ना सोलर अपने पास हेमलेट जूलियस बाय इसमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा ये किसके द्वारा लिखा गया लेकिन क्या किया था 2020 में ये सारे दे दिए पूछा ये किसके द्वारा लिखा गया था ठीक है ये किसके द्वारा लिखा गया था तो इतना सारा चीज दिया हुआ है किंग लेयर ये सारा चीज तो बस एक शेक्सपियर जी थो ना ये यही जो थे ना इन्हीं के बारे में इतना यहां पे आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लिखा हुआ भी है ज्यादा जब देखोगे ना सिंपल समझ जाना बस हमारे एक शेक्सपियर जी ही जी है बस वही ऑप्शन और अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है सोलह नंबर क्वेश्चन का ठीक है सोलह का यहां पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी चलो आगे बढ़ते हैं बाबू देखो अगर कोई कमेंट में आपको कुछ भी बोल रहे हैं या फिर हम कोई कुछ बोल रहे हैं आप छोड़ो ना इग्नोर करो इग्नोर आ, करो वैसे लोगों को अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं अब देखो अकेला यहाँ पे बात करोगे यूट्यूब पे आ, सारा कंटेंट आप अगर हमारे पे ही डिपेंड रहोगे कि हम ही सारा चीज करवाएंगे अः तो मतलब आ, ये भी होती है ना जितना हमसे पॉसिबल होता है हम डेली आपके लिए क्लास ला रहे हैं है ना डेली क्लास ला रहे हैं तो आगे भी और क्लास लाते रहेंगे हम बोले हैं और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे है ना

देखो ये जो है ना ये अपना बिहार बोर्ड के ही पढ़ा रहे हैं क्लास ट्वेल्व के बच्चों के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश पेपर है आपका मतलब बेसिकली इंग्लिश को आपका प्रोज पोइट्री इसमें बांटा गया है ग्रामर स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन सब से सवाल रहती है तो बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा आई थिंक है ना चलो आगे बढ़ते हैं और अपने पास आंसर क्या हो जाएगा देखो एक स्टूडेंट बोल रहे इतना भयानक भयानक नाम है है एक्चुअली ये भारत के थोड़ी कि मतलब नाम रख लेगा मोहन सोहन राजू ऐसे थोड़ी नाम रख लेगा है ना तो मतलब वहां पे ऐसे ही सब नाम रखता है तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा मैथ्यू और नॉल्ड यहाँ पे ऑप्शन और ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है याद रखिएगा इसको सेवनटीन नंबर क्वेश्चन सत्रह नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पेटीन नंबर क्वेश्चन अठारह नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास सवाल है और यह सवाल आठ वालों से 2020 में और 22 में पूछा गया है क्या है दी गीतांजलि गीतांजलि जो है किसके द्वारा लिखा गया है ठीक है गीतांजलि हैज बिन रिटन बाय गीतांजलि जो है किसके द्वारा लिखा गया है बोलिए जल्दी से जवाब जल्दी से बोलिए क्या हो जाएगा आंसर

2019 में और 2020 में पूछा गया देख रहे हो जो भी सवाल है ना रिपीट किया जा रहा है हर सवाल दो साल पूछ दे रहा है ठीक है तो अरविंदो घोष के द्वारा ठीक है और घोष ऑप्शन वन अपने पास एक करेक्ट आंसर और घोष मतलब यहां पे ये पक्का ये बंगाल के होंगे है ना ये तो श्योर है आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऐसा नाम वहीं पे होता है आगे बढ़ते हैं द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ल्ड ठीक है द वर्ड ड्रामा ड्रामा जो है ये शब्द है ये सवाल पूछा गया है 2018 में साइंस वालों से 2021 में साइंस वालों से ये जो ड्रामा शब्द है ये जो ड्रामा शब्द है ये ड्रामा शब्द कहां से लिया गया था तो ये ड्रामा शब्द लिया गया था ग्रीक से है ना कहां से लिया गया था ग्रीक से या लैटिन भाषा से बोलिए जल्दी से जल्दी से बोलो बीस नंबर क्वेश्चन फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए तो चलो यहां भी ये लिया गया था अपने पास ग्रीक भाषा से और इसका मतलब होता है ड्रामा का मतलब क्या होता है थिंग्स डन मतलब जो आ, मतलब थिंग्स डन नाटक के रूप में एज एज एन एक्टिंग मतलब जो भी काम हो रहा है वो एक्टिंग के रूप में हो रहा है तो ऑप्शन और अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रामा ठीक है ये जो शब्द लिया गया था ग्रीक भाषा से ऑप्शन और अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यहां पे देखिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं सवाल अपने पास क्या है यह सवाल है डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल बहुत लोग इसका सवाल आई तो, थिंक हमको लगता है बहुत सारे लोग इसका गलत जवाब देंगे ठीक है क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे जगह इसका गलत आंसर दिया गया है बहुत सारे जगह इसका गलत आंसर दिया गया है तो देखते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट है अगर पढ़े होंगे सच में अगर अच्छे से पढ़े होंगे ना अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप यकीन मानो कि आपको जो है ना ये क्वेश्चन आप एकदम सही करोगे और हाँ एक और एक और इंफॉर्मेशन अगर हम आपको दे तो साइंस वाले बच्चों के लिए जो आपका क्लासेस है साइंस साम्राज्य चैनल पे प्रॉपरली चल रहा है ठीक है साइंस साम्राज्य चैनल पे प्रॉपरली चल रहा है तो आप आराम से हमारे दूसरे चैनल बना है साइंस के लिए साइंस साम्राज्य है ना तो वहां से आप अपना क्लासेस जारी रख सकते हैं आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे साइंस साम्राज्य तो आपको क्लास मिल जाएगा वहां पे और वहां से अपना साइंस की तैयारी कर सकते हैं और कॉमर्स वाले बच्चे जनवरी से प्रॉपरली हम लोग सारे टीचर्स जितने भी टीचर्स हैं कॉमर्स के लिए आपको यहाँ पे पढ़ाते मिलेंगे यूट्यूब पे भी और साथ ही साथ आर्ट्स वाले बच्चों आप लोग का भी जैसे पोलिटिकल साइंस का डिमांड था और भी सब्जेक्ट का तो प्रॉपरली आप लोग को मिलने वाली है इसी जनवरी से सारा चीज स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पे भी आगे आंसर अपने पास बहुत सारे लोग फील्डिंग बता रहे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं हाँ चलो बता तो रहे हैं लेकिन अपने पास अरे कोई कोई जॉनसन तक बता रहा है ऐसा कैसे आंसर अपने पास हो जाएगा क्या चीज अपने पास हो जाएगा रिचार्डसन क्या हो जाएगा रिचार्डसन रिचार्डसन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर याद करो यहाँ पे मॉडर्न नॉवेल है मॉडर्न नॉवेल ठीक है नॉवेल नहीं पूछा मॉडर्न नॉवेल पूछा जा रहा है तो रिचार्डसन होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ये सवाल देखो आपके साइंस और आर्ट्स दोनों साइंस में पूछा गया अठारह और इक्कीस में उसके बाद एक और सवाल लेते हैं ये आठ सालों की से उन्नीस में पूछा जा चुका है डेविड कॉफरफील्ड वाज रिटेन वाज रिटेन बाय ठीक है डेविड कॉफरफील्ड जो है वॉज रिटेन बाय ये डेविड कॉफरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया है ठीक है डेविड कॉफरफील्ड जो है नॉवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया देखो बच्चों एक जो है ना ये डेविड कॉपरफील्ड पहले आप लोग के बहुत सारे जो मतलब दो तीन साल दो साल पहले दो तीन साल सीनियर जो लोग होंगे ना वो सब पढ़े होंगे ये सब ये जो है ना वो सब पढ़े होंगे डेविड कॉपरफील्ड पहले ना पचास मार्क्स का इंग्लिश हुआ करता था और उसमें ना नॉवेल हुआ करता था जो लास्ट में पढ़ना होता था उससे दस मार्क्स का रहता था तो वो नॉवेल में ना डेविड कॉपरफील्ड से प्रश्न रहती थी डेविड कॉपरफील्ड जो कि लिखे हैं चार्ल्स डिकेन जी बहुत ही अच्छा सा ये नॉवल था बहुत ही मजा भी आता आप लोग को लेकिन ये एक्चुअली में आप लोग का सिलेबस से ही हट गया है तो आप क्या ही करोगे इसको पढ़ के ऑप्शन और अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगी लेकिन आप देखोगे हमारे YouTube चैनल पे इसका भी यहाँ पे समरी अपलोड होगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह इसका हम करवाए हुए थे बहुत पहले मतलब तीन चार साल पहले आगे बढ़ते हैं ऑप्शन करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल क्या है अनटचेबल एंड कूली वॉज रिटेन बाय ठीक है अनटचेबल एंड कूली ये किसके द्वारा लिखा गया है ये सवाल जो है ना Uh, 2019 में आठ सालों से पूछा गया है किरण देसाई अनीता देसाई राजा राव और मुल्लक राज आनंद किसके द्वारा लिखा गया है बोलो जल्दी से आंसर दो अनटचेबल एंड कूली वॉज रिटेन बाय अनटचेबल और कूली जो है किसके द्वारा लिखा गया है एक बच्चे पूछ रहे हैं सर अभी जो बैच है वो उसपे क्या पढ़ाया जाएगा उसमें बेसिकली आपको नोट्स दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट के गेस क्वेश्चन का है ना हमारे तरफ से जो गेस क्वेश्चन आया है वो सब मिलेगा मात्र और जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का सेशन जो रहेगा वो सब अनटचेबल एंड कूली वॉज रिटेन बाय अनटचेबल और कूली जो है किसके द्वारा रिटेन uh, uh, किया गया है रिटर्न किया गया किसके द्वारा यहा पे मुक राज आन के द्वारा ऑप्शन अपने पास डी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है ठीक है ऑप्शन अपने पास डी करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सवाल है अपने पास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटर्न बाय सवाल आठ सालों से दो में पूछा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटर्न बाय ये किसके द्वारा लिखा गया है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो ये किसके द्वारा लिखा गया है ये अनीता देसाई तोरु कमला दस नहीं अरुण धोती रॉय तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा अपने पास यही होगा चलो अरुण धोती रॉय यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाली है चौबीस नंबर क्वेश्चन का अभी हम लोग लगातार ऐसे ही अभी जितने भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सवाल हैं सब लोग चलो ना लगातार हम लोग देखते चलेंगे और करते चलेंगे सवाल अपने पास है आर्म्स ठीक है आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय आर्म्स एंड द मैन ये किसके द्वारा लिखा गया है ये भी सवाल आपके 22 में आठ सालों से पूछा गया साइंस का भी सवाल है आगे देखेंगे ठीक है आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय आर्म्स एंड द मैन किसके द्वारा लिखा गया है शेक्सपियर जी के द्वारा जीबी सोक के द्वारा डिकेंस चार्ल्स डिकेंस या फिर टीएस uh, इलियट जी के द्वारा किसके द्वारा ये लिखा गया आर्म्स एंड द मैन चलो जवाब आ जाना चाहिए 25 नंबर क्वेश्चन का 25 तोला जवाब जल्दी से दीजिए चलो 25 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अपने पास क्या चीज जीबी सोक क्या हो जाएगा जीबी सो आर्म्स एंड द मैन कौन लिखे हैं तो जीबी सो लिखे ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर सवाल पे पे और इसमें इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा जा रहा रहा है है द डेवलपमेंट ऑफ वाज डेवलपमेंट ऑफ डैश ठीक है डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज यहाँ पे डैश होगा ठीक है यहाँ पे डैश भरिए क्या हो जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ठीक है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ डैश वॉज हेल्प बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ठीक है मतलब किसको बहुत ही हेल्प मिला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आ जाने से ठीक है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आ जाने से बोलिए जल्दी से ठीक है आ जाओ सवाल का यहां पर जवाब दो किसको यहां पर हेल्प मिला था तो देखो इसका जवाब भी आपको इसको भी प्रॉपरली हम करवाए हुए थे यहां पे अपने पास मॉडर्न इंग्लिश यहाँ पे है लेकिन ये कब आया था दो बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था एक तो अपने मिडिल इंग्लिश में दो बड़ा इवेंट हुआ था सबसे पहला एक इवेंट क्या हुआ था आ, एक तो आ, मतलब अपने पास आ, जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट था वो किया गया था इंग्लिश में और उसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था है ना दो मेजर इवेंट हुआ था मिडिल इंग्लिश में और ये ये जो आया था ना मिडिल इंग्लिश में आया था लेकिन यहां पे मॉडर्न इंग्लिश इसलिए है क्योंकि वो मेन जो है ना डेवलपमेंट जो किया था वो किसको किया था मॉडर्न को क्योंकि उस समय तक जब तक तक जब ये आया तब तक जो है खत्म खत्म हो हो रहा रहा था था तब तक जो है हो रहा था। क्या चीज छिहत्तर में टेक्नोलॉजी आया था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और ये जो है ना मतलब बेसिकली तब तक तो इरा ही उसका खत्म हो रहा था पंद्रह से फिर अपना मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हो गया तो बेसिकली मॉडर्न इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे क्योंकि उसको डेवलपमेंट में मदद किया ठीक है ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी

चलो आंसर अपने पास क्या हो जाएगी तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है जवाब यहां पे आना शुरू हो गया है सत्ताईस नंबर क्वेश्चन का और ए जवाब आ रहा है बी जवाब आ रहा है सी भी आना चाहिए हाँ सी भी आ रहा है चलो डी नहीं आ रहा है चलो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा गिरीश कर्नाड तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है गिरिश करनाड के द्वारा लिखा गया ऑप्शन और अपने पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगी सत्ताईस नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पे करेक्ट है? है, आंसर और, और वहीं पे दूसरा इवेंट क्या हुआ था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन लिंग्विस्टिक चेंज में क्या हो जाएगा ग्रेट वोवेल से बहुत सारे शब्द वोवेल के शब्दों को उठा के लाया गया जिससे जो है ना प्रोनाशिएशन जो है ना वो और अच्छा हो सके ठीक है तो ऑप्शन और अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगी चलो अगले सवाल पे आते हैं उ, क्या चीज तीस नंबर क्वेश्चन पे और तीस नंबर सवाल में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसमें है द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद तो ये रोमांटिक रिवाइवल जो है ना किसके किससे एसोसिएट है किससे बेसिकली संबंधित है रोमांटिक रिवाइवल तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा विलियम विलियम से जो है ये ना एसोसिएटेड है रोमांटिक रिवाइवल रोमांटिक रिवाइवल विलियम ठीक है थर्टीन नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे तीस नंबर क्वेश्चन पे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पार्सियन ठीक है सी एच सवाल देखो कितने बार पूछा गया है साइंस में आपसे पूछा गया है उन्नीस में बीस में इक्कीस में है ना और 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 बार पूछे गए इसमें और सब लिखा हुआ नहीं है ठीक है लेकिन और साल पूछे गए थिंक आर्ट्स में भी बहुत बार पूछे गए हैं और शायद 22 में भी रहा है ठीक है बाईस में भी आपके एग्जाम में पूछा गया था देखो प्लीज आप सबसे मात्र हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग अपना अपना ना बेसिकली क्लास पे फोकस करिए प्लीज जब अगर मेहनत करके पढ़ा रहे हैं ना तो उस चीज को प्लीज एक्सेप्ट करो ठीक है लाइक कमेंट में अगर आप खुद से ही आपस में ही आपस में बातचीत करने लग जाओगे ठीक है फिर क्लास पे ध्यान कितना हो पाएगा कहोगे भैया क्लास में भी ध्यान रहता है बात भी कर लेते हैं तो वैसे में दिक्कत होता है आप देखो हंड्रेड परसेंट अपना कहीं भी दो ना वो आ, आपको मतलब वहां से आपको भी हंड्रेड परसेंट मिलेगा तो प्लीज अपना हंड्रेड परसेंट प्रॉपरली क्लास पे दो ना कि कमेंट सेक्शन पे कमेंट सेक्शन में आप जवाब देने के लिए आप यूज करो कमेंट सेक्शन का यूज और नहीं तो यहाँ पे अपना पूरा बोर्ड पे अपना हंड्रेड परसेंट हो ये समय जानते हो कितना लास्ट समय है और इसी समय के लास्ट समय को हम देखते हुए आप लोग के गोल्डन समय को देखते हुए इसलिए हम लोग लास्ट में ये सारा चीज करवा रहे हैं नहीं तो मन होता ऐसे ही दस क्वेश्चन बीस क्वेश्चन लेके आ जाते और वो करवा देते लेकिन आ, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे साथ में करवा रहे हैं इसका मतलब है कि नहीं हम चाहते हैं कि आपको यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिले और अंतिम समय में आपको अच्छे से यहाँ पे जानकारियां मिले है ना तो प्लीज आप अच्छे से यहाँ पे क्लास पे अपना हंड्रेड परसेंट दीजिए और कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा कम ही ध्यान दीजिए है।, है ना तो यहाँ पे आंसर अपने पास क्या हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत एंड पार्सियन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अभी यंगर है वो अभी जवान है किसके अपेक्षा संस्कृत और पार्सियन पर, पर, के यहाँ पे लैंग्वेज uh, में के अपेक्षा uh, जो है ये बहुत ही बेसिकली नया नया आया है लैंग्वेज इंग्लिश ठीक है चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी नेक्स्ट सवाल देखिए इकतीस नंबर क्वेश्चन और यहां पे क्या है इकतीस नंबर क्वेश्चन में इसमें यहां पे बोला जा रहा है जूलियस जूलियस सीजर सीजर रिटर्न ये किसके द्वारा लिखा गया एंड भी दे, दे दे देता सब कुछ पूछ ही देता शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है, है ना शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है ऑप्शन और अपने पास सी करेक्ट आंसर और ये सवाल देखो साइंस वालों से यहाँ पे कब पूछा गया था साइंस वालों से यहाँ पे कब पूछा गया था साइंस वालों से यहाँ पे पूछा गया था दो में बीस में है ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं बत्तीस नीस में 20 में पूछा गया है सवाल है अपने पास दी ग्रेट वोवेल से ग्रेट वोवेल जो है ये कब आया था ग्रेट वोवेल कब आया था मॉडर्न इंग्लिश में मिडिल इंग्लिश में या फिर ओल्ड इंग्लिश में या फिर ब्रिटिश इंग्लिश में अरे भाई अपने पास ब्रिटिश इंग्लिश आ कहां से रहा है ओल्ड इंग्लिश में तो भाई शुरुआत ही हुआ था इंग्लिश में आया था ठीक है दो बड़ा इवेंट हुआ था टू मेजर इवेंट टू इवेंट हुआ था टू इवेंट हुआ था सबसे पहला यहां पर अपने, अपने पास क्या हुआ था ग्रेट वोवेल वोवेल सिफ्ट और दूसरा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया था ठीक है पहला तो यह हो गया और दूसरा अपने पास क्या आया था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ठीक है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया था ठीक है तो ये दो बड़ा इवेंट हुआ था मिडिल इंग्लिश में ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर करेक्टर इसका फायदा किसको हुआ मॉडर्न इंग्लिश को बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि वो डेवलप अच्छा खासा कर गया और अभी तक वो चल रहा है आगे बढ़ते हैं तेतीस नंबर क्वेश्चन न्यू न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश डेट है बेसिकली नया नया जो भी वेराइटीज था इंग्लिश का सब एक तरीके से इमर्ज हो गया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड वो उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो सेकेंड इंग्लिश कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं न्यू इंग्लिश कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज आंसर क्या हो जाएगी इस तीनों में से जवाब दो ए और बी और सी इन तीनों में जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगी जल्दी से सबका जवाब आ जाना चाहिए चलो चलो इसका आंसर देखते हैं सब लोग का यहां पे जवाब आ रहा है है ना चलो ऑप्शन आ रहा है सब लोग का यहाँ पे न्यू इंग्लिश ऑप्शन अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है ठीक है न्यू इंग्लिश यहां पे करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं तेईस तेतीस के बाद और यहाँ पे क्या है इंग्लिश इज यूज इन चाइना एज ए डैश लैंग्वेज चाइना में इंग्लिश का यूज किया जाता है कैसे लैंग्वेज के, uh, uh, के रूप में मदर टंग मदर टंग यानी अपने पास मातृभाषा के रूप में सेकेंड लैंग्वेज ठीक है या फिर अपने पास फॉरेन लैंग्वेज किसमें यूज किया जाता है हम आपको बताए थे अलग अलग अच्छे से Uh, कौन इसको फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में या सेकंड लैंग्वेज के रूप में या फिर uh, जो है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज करता है कौन देश uh, किसको ये सब चीज आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं है ना जैसे चाइना हो गया रसिया हो गया ये सब जो है ना uh, ये सब बेसिकली क्या करता है इसको फॉरन लैंग्वेज के रूप में अपनाता है किसको इंग्लिश को अपने लोग इंग्लिश को कौन सा लैंग्वेज में अपनाते हैं अपने लोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अपनाते हैं द्वितीय भाषा के रूप में है ना इंग्लिश को ऑप्शन अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 2018 में सवाल पूछा गया था अगला सवाल पे आते हैं ठीक है अगला सवाल पे आते हैं इस सवाल का आंसर आंसर अपने पास दे दिए सी ठीक है अगला सवाल पे आते हैं क्या है अपने पास मार्क ट्विन एंड हेनरी जेम्स आर डैश नॉवलिस्ट ठीक है मार्क ट्विन्न और हेनरी जेम्स थे ये कैसे नॉवलिस्ट थे कहा के नॉवलिस्ट थे बेसिकली इंडियन थे ब्रिटिश थे ऑस्ट्रेलियन थे या फिर अमेरिकन थे तो ये कहां के थे ये कहा के थे ये बताइए तो ये थे बस अपने पास अमेरिकन के ये अमेरिकन जो है नॉवलिस्ट थे ऑप्शन अपने पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन मार्क ट्विन और हेनरी जेम्स ठीक है ये कहां के थे ये कहा के थे ये थे बेसिकली अमेरिकन ठीक है नॉवलिस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग छत्तीस नंबर क्वेश्चन और इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या चीज द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट मिडिल इंग्लिश के पास कितने डायलेक्ट हैं पे ये सवाल आ, 2018 में पूछे जा चुके हैं लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है इससे कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए इसको अच्छे से प्रेम से देखिए ठीक है लगातार देखते चलिए आंसर अपने पास क्या हो जाने वाली है जल्दी से जवाब दीजिए क्या हो जाएगी आंसर देखो आ, ये हम आपको पढ़ाए थे जो डायलेक्ट है वो ओल्ड इंग्लिश में चार होते हैं ठीक है नॉर्थ अमरियन वेस्ट सेक्शन कैंटिस और अमेरिकन डायलेक्ट है तो चार ठीक है वही पांच किसमें हो गए मिडिल इंग्लिश में पांच हो गए नॉर्थ अमरियन का नॉर्थर्न हो गया पहला ठीक है साउथर्न हो गया दूसरा और कैंटिस का यहाँ पे वेस्ट सेक्शन का साउथर्न हो गया और कैंटिस का यहाँ पे कैंटेस ही रह गया और यहाँ पे अपने पास अमेरिकन का यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ गया ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड ठीक है और जो अभी हम लोग का इंग्लिश चल रहा है ना वो ईस्ट मिडलैंड का ही यहाँ पे यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश बेसिकली एक तरीके से बोलो तो इसी से आया है अपने पास कितना हो गया एक दो तीन चार पांच तो अपने पास कितना हो जाएगा मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट फाइव ऑप्शन और अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगी कितना सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी देखो हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से रटना नहीं पड़े बेसिकली ठीक है तो हमारा ये मकसद है और शायद हम उसमें कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं वो चीज आप ही बताओगे और इसीलिए हम आपको यहां पर ये भी ला के रख दिए कि आपसे अगर ओल्ड इंग्लिश का भी पूछा जाए ना तो आप आराम से बोल दो चार होता है और ये भी याद कर लो नॉर्थ अम्बरियन वेस्ट सेक्शन कैंटेस और मैरिकन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सैंतीस नव क्वेश्चन पे आइए सैंतीस नव क्वेश्चन में और यहाँ पे है डैस हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश इंग्लिश को आसान बनाने में सिम्प्लीफाइंग करने में कौन मदद किया ठीक है 2018 में यह सवाल पूछा जाता है यहां पे यह मत बोलना आदित्य सर मदद किया नहीं तो कार्ड देगा एग्जामिनर ठीक है चलो ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर डैश हेल्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश इंग्लिश को आसान बनाने में आसान बनाने में कौन मदद किया यहाँ पे अगर एग्जाम में आदित्य सर लिखोगे तो एकदम बिल्कुल सी बात है एग्जामिनर काट देगा तो इसलिए आराम से जो इसका सही आंसर है वही लिखना तो बाइबल हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ठीक है वाइट क्लिफ यहाँ पे ये किए थे ठीक है इसको ट्रांसलेट किए थे बाइबल को अपने पास इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे तो ऑप्शन आपने पास एक करेक्ट आंसर हो जाने वाली है ठीक है ए यहाँ पे राइट आंसर ए इज दी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ठीक है चलो देखो बोल भी रहे हैं आदित्य भैया चलो आदित्य सर यहाँ पे नहीं तो एग्जाम में याद रखना बाइबल ही याद रखना ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अड़तीस क्वेश्चन पे और यहां फिन यहाँ पे कौन लिखे हैं ये सवाल 2021 में पूछे जा चुके थे वेरी फिन यहां पे कौन लिखे हैं ठीक है, है? बोलिए जल्दी से वेरी फिन यहां पे कौन लिखे हैं ये सवाल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं तो अपने पास आ, हो जाएगा मार्क टू इन आंसर यहाँ पे राइट आंसर ठीक है मार्क टू इन यहाँ पे राइट आंसर अपने पास हो जाने वाली है उकल रिफिन ऑलरेडी ये सवाल देख चुके हैं रिपीट हो चुका है अगले साल में बढ़ते हैं उनचालीस नौ क्वेश्चन पे और यहाँ पे क्या है इसमें है क्या चीज ये सवाल जो है हर जगह इसका आंसर गलत दिया हुआ है ये सवाल का आंसर हर जगह गलत दिया गया है लेकिन आप अपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के प्रॉपर आपके पास अगर बुक है जो बिहार बोर्ड के द्वारा दिया जाता है ठीक है बोर्ड एग्जाम बोर्ड के द्वारा जो दिया जाता है बुक और uh, जो ऑफिशियल बुक है उसमें अगर आप देखोगे उसका सही आंसर दिया गया लेकिन ऑलमोस्ट जगह हम बता रहे हैं ना इसका आंसर गलत दिया हुआ हर गेस्ट पेपर हर जगह हर बुक हर वेबसाइट सब जगह इसका आंसर गलत दिया है ठीक है आंसर अपने पास क्या हो जाएगा गोल्ड स्मिथ एंड सैरीडन मेड कंट्रीब्यूशन टू दी डेस्ट ठीक है गोल्ड स्मिथ और सेलिडन जो थे क्या चीज में कंट्रीब्यूट किए तो वो कंट्रीब्यूट किए हैं करेगा पोएट्री में कहीं पर नॉवेल दे देगा ठीक है ये दोनों दे देता है लेकिन ये दोनों नहीं होगा आंसर हो जाएगा इंग्लिश स्टेज है ना इंग्लिश स्टेज याद रखिएगा मॉडल पेपर में भी ये सवाल दिया था तो हम आपको करेक्ट करके बताए थे ठीक है ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगी आप देख लेना बुक में जाके प्रॉपरली आगे बढ़ते हैं चालीस नंबर क्वेश्चन पे आइए चालीस नंबर है के पॉइंट थे ऑप्शन अपने पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगी 40 नंबर क्वेश्चन का ठीक है 40 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाली है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इकतालीस नंबर सवाल पे और इकतालीस नंबर क्वेश्चन में आप देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज द ओल्ड क्या है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय ओल्ड इंग्लिश के जो काल है वो उसमें बेसिकली क्या चीज कैरेक्टराइज किया गया था ठीक है ये सवाल आर्ट्स वालों से ठीक है आर्ट्स वालों से पूछा गया कब में और साइंस वालों से दो हजार इक्कीस में ये सवाल पूछा गया है ठीक है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय आंसर हो जाएगा इन्फ्लेक्शन यहाँ पे ये जो है मॉडल पेपर में भी ये सवाल था मॉडल पेपर में भी ये सवाल दिया गया था चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं इकतालीस के बाद बयालीस नंबर क्वेश्चन पे और यहाँ पे बयालीस नौ क्वेश्चन पे आते हैं बयालीस नए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है ए ए मेजर मेजर लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक चेंज चेंज इन इन इंग्लिश इंग्लिश इज इज डैश ठीक है क्या हो जाएगा लिंग्विस्टिक चेंज मेजर लिंग्विस्टिक चेंज दो इवेंट हुआ था किसमें मिडिल इंग्लिश में प्रिंटिंग uh, प्रेस और uh, जो अपने पास ग्रेट वोवेल सेफ्ट हुआ था मेजर लिंग्विस्टिक चेंज उसी में हुआ था ग्रेट वोवेल सेफ्ट ऑप्शन और अपने पास ए में है ए अपने पास यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ग्रेट वोवेल सेट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ठीक है अगले सवाल पे आते हैं ये सवाल 2021 में आठ सालों से पूछा गया था 18th century is non 18th century को कौन से ऑगस्तन एज को सेंचुरी के नाम से जाना जाता है फोर्टी तो थ्री का अपने पास आंसर क्या हो जाएगी आंसर अपने पास जो हो जाएगी वो आपको हम बता दिए हैं है ना आपको हम बता दिए हैं जो भी आंसर हो जाने वाली है आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अग्स्तन एज यहां पे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने पास चौवालीस है ऑलिवर गोल्ड प्योरिटी ऑफ डैश ठीक है ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है किए प्योरिटी ऑफ किसके बेसिकली uh, सही अच्छा रूप को एकदम वास्तविकता uh, को दिखाए विलेज लाइफ को कहा के लाइफ को विलेज लाइफ को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आठ सालों से दो में यह सवाल पूछे जा चुके हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं चलो 45वां क्वेश्चन पे आइए 45वां क्वेश्चन देखिए और जल्दी से जवाब दीजिए क्या हो जाएगी आंसर आंसर यहां पे क्या हो जाने वाली है जल्दी से जवाब दो आंसर यहां पे क्या हो जाएगी सवाल यहां पे है हु रोट ए पैसेज ऑफ ए पैसेज टू इंडिया ए पैसेज टू इंडिया यहां पे कौन लिखता है ईएम फॉरेस्टर फॉस्टर डब्ल्यूबी एड्स टीएस एलियट और डीएस लॉरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए पैसेज टू इंडिया इसको कौन लिखे हैं तो ये सवाल आपसे पूछा गया है 2021 में आठ वाले बच्चों से ठीक है देखो जल्दी से आंसर अपने पास हो जाएगा ई एम फॉस्टर ठीक है ई एम फॉस्टर यहाँ पे इसको लिखे हैं ए पैसेज टू इंडिया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर 45 का हो जाने वाली है ठीक है 45 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ए इज दी राइट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगले सवाल पे आते हैं ठीक है अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल अपने पास क्या है छियालीस नव क्वेश्चन फोर्टी सिक्स नव क्वेश्चन पे आइए में पे पे क्या है 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 इसमें बोला जा रहा इट इज टू थिंक एंड इमेजिन विदाउट ठीक आज जो है, हम लोग क्या इमेजिन नहीं कर सकते हैं क्या हम लोग सोच नहीं सकते हैं किसके बिना हम लोग किसके बिना कुछ सोच नहीं सकते हैं तो हम लोग देखो प्रिंटिंग मशीन जो है ना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये जब आया था चौदह में उसके बिना हम लोग कुछ सोच नहीं सकते हैं है ना वो कुछ हम लोग सोच नहीं सकते हैं तो ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर एग्जाम के समय में इतना नींद क्यों आता है सवाल पूछे हैं देखो आ, नींद तो है कि नींद तो है कि वो तो आपके अपने पास बुलाएगा ही और जब हम बुला रहे हैं कि चलो भाई यहां पे आ जाओ पढ़ लो ठीक है तो यहाँ पे कहोगे नहीं चलो ये ये सही बात बोल रहा है ठीक है मतलब नींद वाला एकदम सही बोल रहा है दिमाग मतलब एकदम अपना दिल जो है ना वो सही बोल रहा है एकदम बोल रहा है सोने के लिए चलो सो जाते हैं बहुत अच्छा ठीक है थोड़ा सा एग्जाम एग्जाम को लेके सीरियस हो जाओ एग्जाम सोचो एग्जाम में क्या होने वाला है एग्जाम की तैयारी देखो पहले खुद पता करो कितना तैयारी हुआ है ठीक है खुद ही अपना नींद उड़ जाएगा और तैयारी अच्छा हुआ है तो फिर मतलब सो जाओगे तो फिर वो सब बेकार ही हो जाएगा ना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं हुआ है तो एकदम तैयारी में लगो अब देखते हैं कॉलर है? है, है, है? जिस कलर जिसको कहते हैं कलर हम लोग यहाँ पे रंग ठीक है ये रंग किसका हम लोग प्रयोग करते हैं और अपने पास ये कॉलर जो है ये रंग किसमें हम लोग यूज करते हैं दो हजार पूछा गया है ये हम लोग यूज करते हैं किसमें अमेरिकन इंग्लिश में ठीक है अमेरिकन में ब्रिटिश इंग्लिश नहीं ठीक है उसमें तो यू आर होता है ठीक है ऑप्शन पास डी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे आते हैं अगले सवाल पे आते हैं अड़तालीस क्वेश्चन पे फोर्टी एट क्या बोला जा रहा है इसमें है हु रोट ठीक है यहाँ पे कौन लिखे हैं तो विलियम वर्ड्स और वर जॉन किड्स uh, पीवी uh, सैली और यहाँ पे क्या हो जाएगा uh, यहाँ पे क्या हो जाने वाली आंसर ठीक है तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा जॉन किड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी जॉन किड्स यहाँ पे राइट आंसर रॉट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जॉन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यह सवाल आठ सालों से 2021 में पूछा गया है देख रहे हो कितने सवाल 2021 में पूछे गए हैं 2022 में ऐसे ही इतने सारे सवाल अगर एक एक बार बोर्ड में पूछेगा अगर इसको मिस कर रहे हो जो भी बच्चे इसको छोड़ रहे हैं या फिर जो भी बच्चे इसको जान भी नहीं रहे देख ही नहीं रहे यही तो डिफरेंस पता चलेगा भाई क्या है कौन है टॉपर और कौन है एवरेज बच्चे ठीक है यही सब से तो यहाँ पे डिफरेंस पता चलता है यही सब चीज तो नॉर्मल बच्चे छोड़ देते हैं अरे जाने दो देख लेंगे ठीक है चलो क्या है अपने पास द टेक्स्ट ऑफ विच ठीक है सही बात बोले कि नहीं बोले देखो द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड ठीक है मतलब किसका टेक्स्ट कुछ याद आ रहा है क्या पढ़ाए थे क्योंकि भैया समझ में तो आ नहीं रहा याद क्या आएगा हाँ याद तो आ रहा है एकदम हम आसमान देख रहे हैं ठीक है एग्जाम का हमको पंखा याद आ रहा है कि एग्जाम में हॉल में बैठे हुए हैं और एकदम पंखा हमको दिख रहा है नहीं ऐसे बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पे क्या है द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड मतलब ये जो टेक्स्ट है कौन से पीरियड का टेक्स्ट जो है वो डिफिकल्ट होता है रीड करने और अंडरस्टैंड करने में पढ़ने और समझने में कौन से काल के जो कौन से पीरियड के जो है ना टेक्स्ट लिखावट जो था ना वो बहुत ही डिफिकल्ट होते थे याद आया कुछ अपना नाम हम लिख के बताए थे आदित्य उस लैंग्वेज में याद आया कुछ ठीक है तो वो लैंग्वेज को लैंग्वेज uh, को कहते क्या है ये याद है किसी को नहीं याद है याद होगा बिल्कुल याद होगा ठीक है रूनिक लैंग्वेज कहते हैं जल्दी से बता दो तो क्या अच्छा हम तो बोल दिए सॉरी चलो

ठीक है तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा रूनिक लैंग्वेज बेस बेसिकली यूज किया जाता था ओल्ड इंग्लिश में ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी आगे बढ़ते हैं देखो किसी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके सर से ऊपर से जा रहा है अगर ये ये अगर सर के ऊपर से जा रहा है तो आ, करना क्या है इसका क्या उपाय है इसका क्या उपाय है सबसे पहले आंखें बंद करो और बोलो हे प्रभु हमसे जो भी गलती हुई है माफ करो हमको एग्जाम से दूर करो नहीं ये सब नहीं करना है आराम से यहाँ पे आ, क्या करना है वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ठीक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का तो जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं उसको जाके प्रॉपरली देख लेना है अभी पे चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या है आ, ओल्ड इंग्लिश का जो है ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था समझने में और आ, 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 क्या करने में न, लिखने में ठीक है आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर पचास क्वेश्चन पे आइए और इसमें यहाँ पे क्या है इंग्लिश बिलोंग्स टू दी एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज ठीक है सवाल अपने पास क्या है सवाल अपने पास क्या है इंग्लिश बिलोंग्स टू डैश फैमिली ऑफ इंग्लिश आंसर क्या हो जाएगी <laughs> ये से 22 में 22 में हाल में ही पूछा गया है तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा तो देखो आपको यहां पे आंसर क्या याद रखनी है इंडो यूरोपियन ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं इक्यावन नौ क्वेश्चन पे और इक्यावन नौ क्वेश्चन इक्यावन नव क्वेश्चन अच्छा देख लिए क्वेश्चन पे आइए अच्छा पचास के बाद बावन नवा क्वेश्चन है हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही चलता है ठीक है पचास के बाद बावन इक्यावन भूल गए चलो आगे बढ़ते हैं सवाल है अपने पास क्या चीज द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ ये सवाल रिपीट हो चुका है ऑप्शन आंसर है ना ये बताए हुए थे ऑप्शन सी साइंस वालों से पूछा गया था बाईस में उसके बाद अगले सवाल पे आइए ये।, ये भी सवाल यहाँ पे नया है वंकिम चंद्र रोट राजमोहस वाइफ ठीक है वंकिम चंद्र जो लिखे थे राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश पहला इंग्लिश नॉवेल था ये ठीक है तो ये जो है बेसिकली जो है ना कब यहाँ पे लिखा गया था कब लिखा गया था ये आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा पहला था तो अठारह में लिखा गया था कब अठारह में चलो अगले सवाल पे आते हैं चौवन नंबर क्वेश्चन पे और यहाँ पे क्या है राइटिंग सिस्टम ऑफ इंग्लिस यूज दल्फाबेट्स द राइटिंग सिस्टम इन इंग्लिश इन ओल्ड इंग्लिश ठीक है ओल्ड इंग्लिस में कौन से अल्फाबेट्स को यूज करते थे दो हजार क्या किए थे ना ये साइंस वाले बाइस वाले बच्चे ये पढ़ के नहीं गए थे हमसे नहीं हमसे पढ़ो या किसी से पढ़ो बहुत कोई यहाँ पे है पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं ठीक है अकेले हम नहीं है आ, बस हम आपको कोशिश करते हैं जितना हो सके आसान बनाने का बच्चे का बच्चे का क्या होता है जिससे वो समझ जाए जिससे वो बेटर समझ जाए और यहां पे जो है ना मतलब ये जो राइटिंग सिस्टम था ओल्ड इंग्लिश में वो कौन से अल्फाबेट पे था तो आपको हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे उसमें क्या था हर हमेशा आ, क्या होता था स्ट्रेट लाइन ही रहता था कभी भी कर्व टाइप का कर नहीं होता था वो था एक वन एंड ओनली रूनिक लैंग्वेज वन एंड ओनली रूनिक लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर याद था कि नहीं याद था बोलो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ठीक है चलो मेरे घर वाले तो बोल दिए हैं तू टेंशन ना ले तुझे दुनिया से टॉप करवा देंगे <laughs> स्टूडेंट बता रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं पचपन साल पे आइए यहां पे क्या है अपने पास है द ग्रेट वोवेल सेफ्ट ब्राउट अबाउट ठीक है अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन देश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल ठीक है यह क्या किया तो यहाँ पे ग्रेट वोवल से क्या हुआ था यह सवाल ठीक है बाइस में पूछा था यह सवाल ठीक है अब देखो ऐसे ही और सवाल आते हैं जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन दर तो बताए थे चौदह सो छिहत्तर में ठीक है 1476 बताए थे आपको जब आ, मतलब इंग्लिश समाप्त हो रहा था फिफ्टीन सेंचुरी में तो मतलब फिफ्टीन हंड्रेड में फिफ्टीन में तो अपने पास क्या आ गया था मॉडर्न uh, इंग्लिश आ गया था ये समाप्त हो रहा था तो अपने पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी इसी प्रकार से इंग्लिश क्या है इंग्लिश इज ए डैश लैंग्वेज ठीक है इंग्लिश क्या है इंग्लिश क्या है ये सवाल साइंस में वालों से पूछा गया था इंग्लिश एक ऐसा खिड़की है

हो जाएगी ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाली है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ा जाए क्या और आगे बढ़ा जाए क्या ऐसे ही यहाँ पे और सारे सवाल यहां पे लिया गया है ठीक है और सारे सवाल ऐसे ही रहते हैं छोड़ो सब सवाल नहीं छोड़ना मत ठीक है ये सब सवाल सब एकदम कर लेना हम आपको एक चीज बताते हैं इसका पीडीएफ हम दे देंगे ठीक है पीडीएफ हम दे देंगे टेंशन ना लो टेंशन ना लो पीडीएफ हम दे देंगे और पीडीएफ आराम से पढ़ लेना और सारे ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम दे रहे हैं ठीक है लगभग आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना अच्छे से देख लेना अच्छे से पढ़ लेना ठीक है सारे क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लोगे ना एटलीस्ट तो आपके माइंड में वो रहेगा कहीं ना कहीं एग्जाम में देखोगे वही सारे ऑप्शंस वही सारे क्वेश्चंस आप आराम से बना लोगे तो एक चीज बतलाओ। यहाँ पे हम आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं क्या आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं हुए समझ में नहीं आए या सारे क्वेश्चन समझ में आ गए ठीक है जो भी जैसा है आप नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए और अपना ऐसे ही जो है डेली क्लास करने आया करिए डेली क्लास करिएगा अच्छा रहेगा आप अपने एग्जाम में और बेटर कर सकते हैं ठीक है एग्जाम में और बेटर कर सकते हैं अपने बोर्ड परीक्षा में ठीक है डेली शाम में सात बजे हम लोग आते हैं तो शाम में सात बजे याद रखिएगा या अलार्म लगा लीजिए कि हाँ भाई एजुकेशन बाबा ऐप एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल पे पढ़ने जाना है है ना और जो है जो लोग ऐप इंस्टॉल करके नहीं रखे हैं एजुकेशन बाबा का तो ऐप जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा और इन सारे टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं प्रॉपरली और अभी तो मतलब आपका गेस्ट क्वेश्चन वगैरह भी मिल रहा है उम्मीद बैच के माध्यम से तो गेस्ट क्वेश्चन आप ले सकते हैं उम्मीद बैच में ज्वाइन करके तो ये सारा चीज है चलो बाकी जो है आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे तो सारे लोग जो है आप लोग जरूर से इस क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली हमारा क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपना एग्जाम की बेटर तैयारी करते रहो ठीक है और कोई दिक्कत किसी को कोई भी समस्या बताओ हाँ चलो ठीक है तो जाओ अच्छे से पढ़ाई करो और एकदम टेंशन फ्री रहो एग्जाम क्या है एग्जाम तो एक बार आते जाते हैं है ना नहीं नहीं एग्जाम एक, एक बार आता है ट्वेल्थ का एग्जाम एक, एक बार आता है तो ढंग से पढ़ाई करो अच्छे से पढ़ाई करो चलो आज के इस क्लास में बस नहीं रखते हैं हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में तब तक लिए बाय